हेलो एवरीवन, बिहार राज्य योजना के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज की हमारी दो योजनाएं हैं, युक्ति योजना और शताब्दी अन्न कलश योजना। चलिए पहले बात करते हैं युक्ति योजना पर। इसके परिचय पर नजर डालेंगे। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। इस योजना का मकसद सुरक्षित गर्भपात की सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों को अधिकृत करना है। इसके मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इस योजना के तहत प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम द्वारा गर्भपात कराया जाता है। इसका मकसद है MPT एक्ट के नियम अनुसार गर्भपात करना और विभिन्न माध्यमों द्वारा इस योजना का सही तरीके से समुदाय में प्रचार और प्रसार करना। इसके तहत महिला के साथ आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आवागमन सब्सिडी भी दी जाती है। चलिए बात करते हैं दूसरी योजना, शताब्दी अन्न कलश योजना की। इसके परिचय को देखेंगे। इस योजना के तहत भूख की कगार पर पहुंच चुके लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके लाभों की बात करें तो इसके तहत एक वयस्क को एक सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। इसके अलावा एक बच्चे को एक सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और स्टेट स्कीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।